अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, थंबनेल तो आज का आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैं आज पूरे दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ सेकंड डे का शेयर करने वाली हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं इस व्लॉग में। तो ये देख सकते हैं, बाहर से ही हमने नाश्ता आज मंगवा लिया क्योंकि आज जो है हमारे जानवरों की कटाई का दिन है और सेकेंड डे इस बार हम हमारे जानवर कटेंगे। तो ये देख सकते हैं, हमने पराठे, ब्रेड, चाय वगैरह सब कुछ जो है बाहर से मंगा लिया। चाय तो खैर घर पर बनी थी और ये हमारा जानवर कट गया। तो बस ये ऊपर आ ही गया था, बाकी की कटाई चल रही थी। इस दौरान जो है रूटीन बहुत टफ है आज। खैर, और ये आप देख सकते हैं, चर्बी की चादर इसको कहते हैं। इसमें हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी बनती है जिसको हम कहते हैं पटे तिक्के। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। तो उसके लिए हम लोग को इस चर्बी की चादर को थोड़ा ड्राई करना होता है इस तरह से रस्सी पर डाल के। दूसरी तरफ घर के लोगों की माशाल्लाह हज़ार फरमाइशें हैं। तो यहाँ पर एक भाई ने कहा कि भाई मुझे आप बना कर दे दो फ्राई मसाला बोटी। दूसरी तरफ हमारे घर के बड़ों की फरमाइश है कि भाई ये जो वो होता है ना फेफड़ा, दिल, गुर्दे वगैरह, इनको नमक के साथ सादा सादा फ्राई कर दो, एंड में ऊपर से देसी घी डाल देना। तो ये मैं बना रही हूँ हर एक को खुश करने के लिए। और यहाँ पे मेरी बेटी भी बहुत खुश है, वो माशाल्लाह खेल रही है अपना साथ ही साथ। और बस फिर उसके बाद जो है ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खुश है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो है फिर ये मैं आपको रात का जो है सीन दिखा रही हूँ। हम लोग बनाने वाले थे पुलाव, और पुलाव जो है हम लोग बिल्कुल सादा बनाएंगे, बहुत ही कम गरम मसालों के साथ, सिर्फ काली मिर्च, जीरा, लौंग के साथ डार्क ब्राउन करके प्याज को, और उसके अंदर ये मैं दुम्बे का पुलाव बना रही हूँ मैं आपको बता दूँ। उसके अंदर हमने नल्ली शल्ली सब डाल दी और लहसुन ऊपर से डाल दिया, बहुत ही सिंपल लेकिन यकीन करें इतना लजीज पुलाव। या तो दुम्बे का गोश्त होने की वजह से या पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन बहुत टेस्टी पुलाव था। तो बस सिंपल इसको हमने पानी डाल दिया और फिर उसके बाद एंड में हमने इसमें चावल डाल दिए जब गोश्त गल गया, और मज़ेदार गर्मा गर्म हमारा पुलाव रेडी हो गया था। और ये देखें इस टाइम हमने बस भीगे हुए चावल इसमें डाल दिए। तो बहुत मज़े का था आज के पूरा दिन, बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मज़ा आया हम लोग को। आई होप आप लोग को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में हम करते रहे, लेकिन जाहिर सी बात है हर चीज़ तो कैप्चर हो नहीं सकती है। तो बस जितना मुझसे हो सका मैंने कर लिया आप लोग के लिए, और इस पुलाव को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।